नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ छवि। अपना पूर्वांचल महासंघ के अध्यक्ष बॉम्बे उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अशोक कुमार दुबे ने पूर्व गृह राज्य मंत्री महाराष्ट्र श्री कृपा शंकर सिंह से मुलाकात कर उनको अभी हाल ही में हुई मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर पूर्वांचल व जौनपुर के विकास के मुद्दे पर हुई चर्चा की बधाई दी। आपको बताते चले, कृपा शंकर सिंह जी मूल रूप से जौनपुर के निवासी हैं और अपना पूर्वांचल महासंघ के संरक्षक भी हैं। आज एडवोकेट अशोक कुमार दुबे ने श्री सिंह के बांद्रा स्थित उनके निवास पे मुलाकात की। इस मौके पर अपना पूर्वांचल महासंघ के कई पदाधिकारियों ने शॉल और पुष्पगुच्छ दिया, जिसमें प्रमुख रूप से मनोज रॉय, फूलचंद दीक्षित, संतोष मिश्रा सहित कई लोग मौजूद रहे। वहीं आगामी 10 अक्टूबर को मुंबई के कालबा देवी में एक कार्यक्रम का भी होना निश्चित किया गया और नवम्बर में जौनपुर की धरती पे अपना पूर्वांचल महासंघ की तरफ से पूर्वांचल महोत्सव का आयोजन करना सुनिश्चित किया, जिसमें भारी भीड़ जुटने की संभावना है। चाहेंगे सर, पूर्वांचल महोत्सव की क्या तैयारी चल रही है और सुनने में आ रहा है कि जौनपुर में भी कुछ कार्यक्रम होने वाला है? उत्तर प्रदेश में जो पूर्वांचल हमारा एक जोन है, एक इलाका है, जैसे पश्चिमांचल है, पूर्वांचल है, अवध है, हमेशा पूर्वांचल जो है वो उपेक्षित रहता है, चाहे सरकारी नौकरी हो चाहे वहाँ के विकास हो। लेकिन एक चीज मैं कह सकता हूँ कि पूर्वांचल मुख्यमंत्री एक समय वीर बहादुर सिंह जी हुआ करते थे, तब पूर्वांचल कुछ मिला था, और आज योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद, नहीं तो अन्यथा पश्चिम के मायावती जी बन गई, अखिलेश यादव जी बन गए। यहाँ जो भर्तियां पुलिस की होती थी, आजमगढ़ में अगर भर्ती है तो वहां से आता था आदमी, कहाँ एटावाला भर्ती कर चला जाता था, ऐसे सरकारी नौकरियों में किया था। मैं योगी जी के आने के बाद उनका अभिनंदन किया, मैंने कई चीज पहली बार सुना कि पूर्वांचल एक्सप्रेस हाईवे, कम से कम पूर्वांचल नाम एक एक्सप्रेस हाईवे ऐसा बन रहा है जो पूरे देश से जोड़ने काम कर रहा है। तो काफ़ी चीज़ें जो मैंने उनसे बातचीत करी, और उनका ये कहना है कि हम मुंबई आएंगे, हम थाना आएंगे, नवंबर में खुले टाइम आने वाले हैं और एक लोगों से चर्चा करेंगे। और मैं उनको अभिनंदन इसलिए भी किया कि कोरोना काल में जिस ढंग से यहाँ से लोग भाग रहे थे अपनी जान बचा करके, वहाँ उन्होंने हर जिले में स्कूल में वहाँ पर हर जगह सुविधा मतलब दी थी, और कई लोगों को मनरेगा के तहत नौकरी मिली, अब तक नहीं लौटे हैं जो बेचारे यहाँ गिलमिटिया मजदूर जैसे काम करते थे। काफ़ी चीज़ें जो बात हुई है, मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री मैं कहूँगा, कि वो मतलब जिस ढंग से ध्यान दे रहे हैं, आने वाले समय वो दिन दूर नहीं होगा कि जब कोई आदमी अपनी नौकरी धंधे के लिए उत्तर प्रदेश से पलायन करेगा। थैंक यू सर।